नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आदरणीय गुरुजी सुमेर सर की पुस्तक है वो आ गई है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति एवं भाषा की। ये बहुत ही पतली सी बुक है, जो मान के चलिए आपके लिए गुटका और रामबाण साबित होने वाली है। चलिए आपको दिखा देता हूँ पुस्तक। स्वाध्याय पब्लिकेशन, सुमेर सिंह शेखावत और सुनीता शर्मा ये राइटर हैं। फिर देख लीजिए इस किताब में क्या क्या मैटर है, कितने एक पेज है। तो इस बुक है, इस बुक के अंदर टोटल 166 पेज है, मात्र 166 पेज है इस बुक के अंदर। और पूरा कंटेंट है वो समाहित कर दिया है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेली, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, यानी पूरा पाठ्यक्रम है वो समाहित किया गया है। चलिए अंदर से बुक है ये भी देख लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, तो देख लीजिए कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में स्थित ये कायन मानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में, और ये प्रश्न पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड में कि ये कालीबंगा सभ्यता स्थल है, ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस साइड में है, तो दक्षिण पश्चिम में। देख लीजिए यहाँ इन्होंने समाहित कर दिया। घग्गर नदी दृष्टवती एवं प्राचीन नदी घाटी का क्षेत्र, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, ये पूरा का पूरा है वो कालीबंगा सभ्यता के बारे में इन्होंने जो मेन मेन चीज़ें थी वो दे दी है। फिर देखिए आहाड़ सभ्यता, इधर आहाड़ सभ्यता के बारे में पूरी मेन मेन जो चीज़ें हैं वो आहाड़ सभ्यता के बारे में है वो दे दी है। फिर देखिए गणेश्वर सभ्यता, इस तरीके से मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, एक तरीके से रिविज़न बूस्टर की तरह ये काम करने वाली है बुक। फिर देखिए राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, तो ये देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इनको इस तरीके से समाहित किया है। फिर देखिए राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेली, तो देख लीजिए किलों के बारे में इस तरीके से मैटर है वो दिया गया है, ये किलों के बारे में दे रखा है। फिर देखिए राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, मेले एवं त्यौहार, तो ये देख लीजिए इस तरीके से इसमें दिया गया है। यानी आप कोई भी बड़ी बुक पढ़ रहे हैं या साहित्य ग्रंथ अकादमी की बुक आप पढ़ रहे हैं, और जैसे ही आपने 5-7 दिन पढ़ा उसके बाद आप जब आपको रिवीजन करना हो तो उस दिन वो बुक तो नहीं निकल पाएगी, उसमें से आपने 10-15 टॉपिक कर लिए हैं तो। लेकिन इस बुक से आप रिवीजन करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा और सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम जाएगी। जैसे 6 दिन आपने पढ़ा है, 7वें दिन आपको रिवीजन करना है, तो मात्र 160 पेज है, तो पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 6-7 घंटा आप दोगे तो 166 पेज आप पढ़ सकते हो, या 2 संडे में आप पढ़ सकते हो इस बुक को। ये पूरा सिलेबस है वो आंखों में से निकल जाएगा। तो ये देख लीजिए इस तरीके से इसके अंदर राजस्थान की लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य वो दिए गए हैं। फिर देखिए राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, ये देख लीजिए इस तरीके से इसके अंदर है वो दिए गए हैं। यानी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो जानकारी है एग्जाम की दृष्टि से वो सारी चीज़ें इसके अंदर है वो समाहित की गई है। तो ये बुक की जो एक सैंपल PDF थी सर ने डाली थी टेलीग्राम के ऊपर, उसी से मैंने वीडियो शूट किया आपके सामने, तो ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर परिचय दे रखा है लेखकों का, तो बाकी बढ़ा चढ़ा कर परिचय वो नहीं दिया गया है। बाकी सर हैं वो सूरतगढ़ के अंदर स्वाध्याय नाम से संस्थान चलाते हैं, जहाँ पर बच्चों को नामात्र की शुल्क के अंदर टेस्ट सीरीज है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। यानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर वर्तमान में। और इतने सुनीता शर्मा जी हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा मैंने बुक है उसका रिव्यू किया है, स्वाध्याय सूरतगढ़ सुमेर सर की ये बुक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।